स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक ऐसे मोबाइल एरर को सॉल्व करेंगे जो कि आसूस के फ़ोन में आता है और भी बहुत सारे फ़ोन में आ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन आसूस के फ़ोन में हर एक वर्जन में आता है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट, शुरू से लास्ट देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एरर है, एरर क्या है उसको जान लेते हैं। एरर है, योर डिवाइस इज करप्ट, इट कैन नॉट ट्रस्टेड, मे नॉट बी वर्क प्रॉपरली, ठीक है। और एक नीचे लिंक देता है जो कि है g.co/avh कैपिटल में। तो उसको सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, बस आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक बार प्रोसेस में बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। प्रोसेस है कि आपको अपने फ़ोन के चिप को निकालना होगा, जैसे कि मेरे एक अदर वीडियो में कलर ओएस को देख लिए हैं कैसे चिप को निकालते हैं। चिप निकाल के उसमें उसका जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस वाइज जब आप चिप निकाल के दूसरे मोबाइल में इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक लिंक से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड को डाउनलोड करना होगा, जो कि लेटेस्ट होगा। आप लेटेस्ट को डाउनलोड कीजिएगा। जब अगर लेटेस्ट को करेंगे आप डाउनलोड, तो आपका फ़ोन एकदम न्यू एंड ईजी इंटरफेस में आएगा, जो कि लुक बहुत अच्छा रहेगा और भी चीज़ें मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी दिखेंगी। सारा नोटिफिकेशन चेंज हो जाएगा, सारा यूआई चेंज हो जाएगा। तो आप, हम तो रिकमेंड करते हैं कि आपका अगर फ़ोन नहीं भी हुआ तो वो चीज़ आप कर लो, क्योंकि आप इससे आपको एक नया अपडेट मिल जाएगा आपके फ़ोन में और आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ, फास्ट एंड बढ़िया लुक में दिखेगा, आपको चलाने में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो मैं इजी टू इजी स्टेप में बताऊँगा। उसके बाद जब आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को चिप में डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उस चिप को अपने अफेक्टेड फ़ोन में लगाना है। उसके बाद इंसर्ट करके आपको अपने मोबाइल का पावर ऑफ और वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग प्रेस करना है। जब उसमें आपको एक सारा फंक्शन, रूट का सिस्टम आएगा और रिबूट का आएगा और वाइप डेटा फॉर्मेट फैक्ट्री, ये सब आता है। तो उसमें आपको जाना है इंस्टॉल अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड, ठीक है। उसमें जाके आप सेलेक्ट करोगे अपना ये फाइल जो आप डाउनलोड किए हो, उसको सेलेक्ट करके आप उसको इंस्टॉल करोगे, पावर बटन को प्रेस करके उसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। उसको सेलेक्ट जब करोगे, उसके बाद पावर बटन दबा के उसको इंस्टॉल करोगे, तो जब इंस्टॉल होने में लगभग 2-3 मिनट टाइम लेगा। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आपका फ़ोन एक बार रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद फिर आपका वही प्रॉब्लम आएगा। तो जब आप अपने चिप को इंसर्ट करके वो फाइल इंस्टॉल कर लोगे, जिप फाइल को अपने फ़ोन में, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, लिख के आएगा नीचे, ये दिस फाइल इज सक्सेसफुली अपडेटेड, योर डिवाइस अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद आपको फिर से पावर बटन को प्रेस कर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। फ़ोन को जब रिस्टार्ट करोगे तो एक बार फिर ये प्रॉब्लम दिखने को मिलेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आपको लिखा रहेगा नीचे, प्रेस पावर की टू कंटिन्यू, ठीक है। तो उस पर पावर की को प्रेस करना है, आप उससे आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद आपका फ़ोन 2-3 मिनट में खुल जाएगा, बहुत अच्छे से खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हमेशा ना देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिस्टम में इसी वीडियो में बता दूंगा थोड़ा आगे, ठीक है।